अस्सलाम वालेकुम, सायरा सिंह क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एक न्यू टॉपिक के साथ। आज हम लोग एक न्यू टॉपिक जो है बड़ी अच्छी जो एक डिस्कशन है वो हम करेंगे कि जो आम तौर पे लोगों में ये चीज पाई जाती है। डिफरेंट किस्म के डिसऑर्डर्स होते हैं, पर्सनैलिटीज होती हैं जिसके पेशेंट लोग आमतौर पर शिकार होते हैं। जैसे कि कोई कंपल्शन का है, ऑब्सेशन का है, डिप्रेशन का है, एंजाइटी का है, स्ट्रेस का है, एनोरेक्सिया, बुलिमिया, अलॉट ऑफ बहुत सारे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं। शिजोफ्रेनिया का है, उसको डिफरेंट किस्म के पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स है, नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी है, पॉजिटिव पर्सनैलिटी है, नेगेटिव पर्सनैलिटी है। एनी हाउ ये कुछ साइंस हैं जो कि इस बीमारी को बीच में लेके आते हैं। ठीक है, आज जो टॉपिक है वो बड़ा हमारा इस तरह का टॉपिक है जिसको आम तौर पे जो लोगों में पाई जाती हैं चीजें जिसको लोग एक्सेप्ट नहीं करते। एक पैथोलॉजिकल लायर्स होते हैं, जैसे कि एक गलत बिहेवियर को लर्न कर लेना और उस बिहेवियर को अपनी लाइफ का एक हिस्सा बना लेना, उसके साथ चलते जाना। किसी भी तौर पे सेट होने की कोशिश ना करना, मेंटेन होने की कोशिश ना करना, एक जगह के ऊपर, एक पाथ के ऊपर खड़े रहना कि भाई आई एम राइट। एक फ्लैट इफेक्ट जो होते हैं वो रहना, मतलब कुछ भी हो, चाहे जिंदगी डूब रही है, खत्म हो रही है, लेकिन वो अपना एक बिहेवियर जो है उसको सेट करके बस इसी के साथ रहते हैं। ये क्रॉनिक बिहेवियर बन जाता है उनका, लाइफ का एक पार्ट बन जाता है। ठीक है, जिंदगी का एक हिस्सा बन जाता है जिसको वो चेंज करने के लिए तैयार नहीं होते, उनकी पर्सनैलिटी का एक हिस्सा बन जाता है जिसके बगैर वो रह नहीं सकते। इस तरह के लोग आमतौर पर बहुत जल्दी पहचाने जाते हैं, प्रॉब्लम में होते हैं, परेशानी में होते हैं। इस बिहेवियर ने इतने बुरे तरीके से उस पर्सन जो है उसको जकड़ा होता है कि वो अपनी एक फील्ड से, अपनी एक जो एक बॉक्स है उससे बाहर आ ही नहीं सकता, उससे बाहर आना ही नहीं चाहता। बहुत सारे ऐसे पेशेंट मेरे पास आते हैं अपनी इस प्रॉब्लम को लेके कि हम मतलब अब इस बिहेवियर को, एक जो मास्क है उसके साथ हम लोग अब परेशान हो गए हैं। अब ऐसे लगता है जैसे कि हमें लोग इज्जत नहीं करते, हमें लोग इज्जत नहीं देते, देना नहीं चाहते, हमारी इज्जत करना नहीं चाहते, या मैं अब इस झूठ का सहारा ले लेके थक गया हूं या थक गई हूं। मैं उन पेशेंट्स को यही कहती हूं कि अपने अंदर की जो एक खामी है, जो अपने अंदर की इनसिक्योरिटी है, उसको पहचाने। टॉकेटिव बहुत ज्यादा होते हैं, दूसरों पर गलबा पाने की कोशिश करते हैं, गलबा इस हद तक पा चुके होते हैं कि अब उनका इस बिहेवियर को मेंटेन करना, सेट करना बहुत मुश्किल। जी, इनके टॉपिक्स जो है ना बहुत रेंज में होते हैं, ये डिफरेंट किस्म की कैटेगरीज में जाते हैं। झूठ इतने लेवल का होता है कि अपने आप से भी झूठ, अगले से भी झूठ, ये इनका जो एक लेवल है वो इन जो पर्सन है इसका होता है। ठीक है, छोटी छोटी बातों पे झूठ बोलना, छोटी छोटी बातों पे अपने आप को तसल्ली देने के लिए झूठ बोलना, अगले को तसल्ली देने की कोशिश करनी लेकिन पकड़े जाना, और ये आदत उनकी एक, ये कह लें कि एक एडिक्शन हो जाती है कि उन्होंने हर छोटे छोटे इवेंट पे भी अपने आप से एक झूठ बोलना होता है, अपने आप को, अपने बिहेवियर को एक चैलेंज करना होता है कि नहीं मैं ठीक हूं, अगला गलत है, अगला गलत है, मैं ठीक हूं। यानी कि वो दोनों का कंपैरिजन नहीं कर पाते कि सिचुएशन क्या है, अगला हमसे क्या एक्सपेक्टेशन रख रहा है। ये जो कैटेगरी जाती है ये डिफरेंट किस्म के साइकोलॉजिकल पैथ्स में जाती है। ठीक है, नफसियाती तौर पर टॉर्चर हो जाना, परेशान हो जाना, पकड़े जाने के डर से झूठ बोल देना, खौफजदा हो जाना, बहुत ज्यादा गैदरिंग को देख के खौफजदा हो जाना, ये पर्सनैलिटीज है ना डिफरेंट किस्म की, ये पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स है। ठीक है, बहुत ज्यादा सोचो, हर वक्त सोचते रहना मुझे महफिल में इज्जत किस तरह मिले, मुझे लोग किस तरह सराहें, मैं किस तरह इज्जत के लायक बनूंगा या बनूंगी, मैं किस तरह महफिल में मानी जाऊंगी या माना जाऊंगा, उस डर से, उस खौफो इराज से एक झूठ जो है उसको, मनगढ़ कहानियां जो हैं उसको गढ़ते रहना, बैठ के सोचों के हिसार में रहना, टॉपिक को चेंज कर देना, बात टॉपिक से हटके कर देनी, स्टोरी बार बार बनानी, बार बार बनानी, फिर स्टोरी को चेंज कर देना, ये इस किस्म के पेशेंट्स के जो हैं वो साइंस हैं। ठीक है, सेकंड नंबर पे जो चीज आती है वो ये आती है कि अब ये चीज इनको साइकोलॉजिकली टॉर्चर किस तरह से करती है, क्योंकि ये तो इनके बिहेवियर का हिस्सा बन चुका है। अब ये चीज इनको टॉर्चर किस तरह से देगी, किस तरह से परेशान करेगी, किस तरह से अज़ियत में डालेगी, वो है एंजाइटी, स्ट्रेस, मल्टीपल डिसऑर्डर्स, परेशानी, खौफो हिरास, पर्सनैलिटी बिल्कुल जीरो हो चुकी है, यानी कि चेहरा छुपा रहे हैं, अगर कोई बंदा उनसे दोबारा सवाल कर रहा है तो वहां से फरार होने की कोशिश कर रहे हैं। ये चीजें एक हद तक ही एक बंदा बर्दाश्त, जिस पर गुजर रही होती है वो बर्दाश्त कर सकता है, आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम
ये चीज असलियत में बदल जाती है, स्ट्रेस में बदल जाती है उस इंसान की ना, क्योंकि ये उसकी पर्सनालिटी का हिस्सा बन जाता है और लोगों को पता चल जाता है कि ये इंसान गलत है, झूठ बोलता है। बहुत सारे लोग इसको नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग उस बंदे को कोई नहीं एज अ फ्रेंड ले लेते हैं, लेकिन फिर भी उसका महफिल मजाक ही उड़ा होता है। ठीक है, वो एक फनी बना होता है लोगों के लिए कि चलो भाई अभी इसने आना है, इसने एक स्टोरी बनानी है, इसने बात करनी है, इसने हर बात को गलत करने की कोशिश करनी है। अगर हमने इसको कोई टॉपिक बताना है या हमने इससे साथ कोई डिस्कशन करनी है तो इसने वो अपने ही हक में बेहतर करने की कोशिश करनी है और इसने हमारे पर डोमिनेंट हो जाना है, जबकि हमें भी पता है ये गलत है। ठीक है, लेकिन जिसके साथ ये गुजर रही है, जो ये जिसने ये बिहेवियर लिया हुआ है, वो कुछ टाइम के लिए अपने ऊपर अडॉप्ट करता है ये चीजों को, लेकिन वो समझ जाता है कि मैं महफिल में एक इज्जत की निगाह से नहीं देखा जा रहा, मेरी कोई रिस्पेक्ट नहीं है, मैं अपनी असल पर्सनैलिटी को खो रहा हूं। जब आपको ये चीज रियलाइज होने लगे, रियलाइज आपके ऊपर होने लगती है, तो आप इसके ऊपर वर्क जरूर शुरू करें। ठीक है, हाउ कैन यू स्टॉप दीज थिंग्स, आप उन चीजों को स्टॉप किस तरीके के साथ कर सकते हैं? सबसे पहले तो अपनी सेल्फ काउंसलिंग करें, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को मेन के ऊपर रखें कि सेल्फ रिस्पेक्ट है, जो मैं कर रहा हूं ठीक है, जो मैं करने की कोशिश कर रहा हूं क्या वो ठीक है, आई थिंक ये गलत है क्योंकि ये मुझे अजियत में डाल रही है, चीज स्ट्रेस में डाल रही है मुझे, मैं इस गलत पर्सनैलिटी का और इस गलत बिहेवियर का सहारा लेके अपनी इज्जत गवा रहा हूं, अपनी नजरों में भी, अगले की नजर में भी। ठीक है, एडजस्ट एक्सपेक्टेशंस, अपनी एक्सपेक्टेशंस को एडजस्ट करने की कोशिश करें, अपने आप को धोखा ना दें। धोखा वो है कि आप अगले की एक्सपेक्टेशंस अपनी एक्सपेक्टेशंस को मिक्स कर रहे हैं, अपनी एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो अगले की एक्सपेक्टेशंस के ऊपर डाल रहे हैं, उम्मीदों पे डाल रहे हैं और अगले को टॉर्चर दे के अपने आप को रिलैक्स करने की कोशिश कर रहे हैं। ये रॉन्ग एक्सपेक्टेशंस हैं, इनको एडजस्ट करें, एडजस्टमेंट के लेवल के ऊपर लेके आए। फॉर एग्जाम्पल, सेल्फ रिस्पेक्ट इज अ वन थिंग, सेल्फ एस्टीम इज अ सेकेंड थिंग। दूसरे नंबर पर आती है आपकी सेल्फ एस्टीम, जो कि आपको महफिल में मनवानी पड़ती है, दुनिया में मनवानी पड़ती है। देखिए, इंसान ने अपने आप को सेटिस्फाइड नहीं करना होता सबसे पहले। ठीक है, एक साइकोलॉजिकली टॉर्चर जो हम अपने आप को कर रहे होते हैं, वो अपने आप को मेंटेन करना इंसान का अपना काम है, लेकिन उस टॉर्चर की वजह से जो अगलों पे आपका असर पड़ रहा है, जो अगलों की पर्सनैलिटी के ऊपर, जो अगला आपके मतलब आपके बारे में थिंकिंग लेके चल रहा है, वो तो आपको मतलब ऑब्वियसली वो आपको ज्यादा रॉन्ग करेगा ना, ज्यादा आपको जियत में डालेगा, आपको बार बार परेशान करेगा, आपकी जो खुशी है उसको खत्म करने की कोशिश करेगा, आपको धोखेबाजी से निकालने के लिए जो धोखा आप अपने आप को दे रहे हैं वो बार बार आपको महफिल में बैठ के जुक्ते लगाएगा, इरिटेट करेगा, उससे आप ज्यादा तकलीफ में जाते हैं, ज्यादा परेशान होते हैं, रिलैक्स नहीं रहते, अजियत में रहते हैं। इससे बेहतर है कि सबसे पहले साइकोलॉजिकली अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करें, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस हासिल करें, कॉन्फिडेंस को गेन करने की कोशिश करें। एक्सपेक्टेशंस जो है उनकी उनकी एडजस्टमेंट, उनका सेटअप होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ना किसी से उम्मीद रखें, ना किसी को उम्मीद दिलाएं, आपकी अपनी जात खुश है वो करें, उस चीज को करने की कोशिश करें जिसमें आपको रिलैक्सेशन जो है वो मिलती है। रिलैक्सेशन लाइक, यानी कि सबसे पहले आपका जो बिहेवियर आपके लिए एक्सेप्टेबल है, माशरे के लिए एक्सेप्टेबल है, आप वो करें और माशरे में वो बिहेवियर सरंजाम दे के आपको खुशी मिलती है, आप उस चीज को करें। अपनी राय, लोगों को राय जरूर दें, लेकिन लोगों पे अपनी राय गलत अंदाज से थोपने की कोशिश ना करें। इसको कहते हैं डोमिनेंट हो जाना अगले के ऊपर। ठीक है, ट्राई टू सेट द हेल्थी बाउंड्रीज, सेहतमंद बाउंड्रीज जो है ना अपनी लाइफ की, उनको एडजस्टमेंट करें उनकी। सेट बाउंड्रीज अकॉर्डिंग टू योर सेल्फ रिस्पेक्ट, बाउंड्रीज को सेट करें अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के अकॉर्डिंग, जो आपके लिए एक्सेप्टेबल है, जो आप जिस चीज को इज्जत देते हैं उस चीज को आप एक्सेप्ट करें, जिससे कि आप जब तक अपने आप को इज्जत नहीं देंगे यू कांट डू एनीथिंग इन योर लाइफ। जितनी रिस्पेक्ट आप अपनी करते हैं उतनी रिस्पेक्ट आप अगलों की भी करें, आपकी अपनी रिस्पेक्ट जो है वो आपके लिए इतनी कारामत साबित होगी कि अगले भी उस चीज को आपके गोल्स को अपनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सामना करें सच और झूठ का, झूठ क्या है सच क्या है, अपने आप को दूसरों पर गलबा देने के लिए नहीं। जो चीज एक्सेप्टेबल है, इतना तो इंसान को पता होता है कि क्या चीज गलत है क्या चीज ठीक है, कौन सा पर्सन गलत है, कौन सा टॉपिक गलत है, कौन सी पर्सनैलिटी गलत है, कौन सा इंसान गलत है। ऐसे ही किसी की वो जिसे कहते हैं ना एकदम आके तो मतलब मियां मियां मिठू करना शुरू कर देना, या किसी की वो बन जाना सगी बन के तो उसको मतलब अपनाने की कोशिश करना, या उसको बहुत ज्यादा अपने ऊपर हावी करने के लिए, या अपने अपनी इज्जत उस पर्सन की नजरों में पाने के लिए, उस इंसान की नजरों में पाने के लिए अपने आप को बहुत ज्यादा रिलैक्स करने की कोशिश करना, जहन को रिलैक्स करना कि भाई मैंने तो इसके ऊपर एक गलबा पा ली है
तो मैं मतलब अगर इसकी थोड़ी सी ले लूंगा, क्या उसको कहते हैं, अगर मैं थोड़ा सा इसको मतलब इस पे वर्क कर दूंगा तो मे भी ये मेरी भी मेरे से भी शेयरिंग करना शुरू कर दे, या मे भी ये मेरे साथ भी अपनी अटैचमेंट जो है इसकी बढ़ जाए, या अगर मेरी इस पर्सन के साथ इज्जत है महफिल में, कोई बड़ा आदमी है इसके साथ मेरी इज्जत है तो मैं ऐसे ही इसकी तारीफें करी जाऊं, या इसको रिलैक्स करने के लिए, इसको खुश करने के लिए इसको तोहफे दे जाऊं, यानी कि ये चीज गलत। अगर वो इंसान गलत भी है तो फिर भी आप उसके साथ गलत कर रहे हैं, ठीक है, आप अपने साथ भी गलत कर रहे हैं, उसके साथ भी गलत कर रहे हैं। अपने आप को इस तरह से अपनी मेजरमेंट्स करें, इस तरह से अपने आप को रिलैक्स करें, अपनी अपने सेटअप्स को, अपने गोल्स को इतने एक वे में लेके आए जो कि आपको साइकोलॉजिकली रिलैक्स करे, ना कि वो आपको आपको भी साइकोलॉजिकली टॉर्चर करे, अगले को भी साइकोलॉजिकली परेशान करने की कोशिश करे। क्योंकि टॉर्चर जो है लाइफ में वो इंसान की पर्सनैलिटी को तबाह करके रख देता है। एक बिहेवियर आप जितनी देर तक अपनाते हैं, जितनी देर तक एक बिहेवियर को आप अपने साथ रखते हैं, वो बिहेवियर उतनी देर तक ठीक है, गुड रहता है, एक्सेप्टेबल रहता है। समटाइम वो बिहेवियर आपके लिए क्रॉनिक बन जाता है, समटाइम वो बिहेवियर आपके लिए अनएक्सपेक्टेबल होता है, ठीक है, पहले तो वो एक्सेप्टेबल होता है लेकिन बाद में वो अनएक्सपेक्टेबल होना शुरू हो जाता है। उसकी वजह क्या है कि वो आपको लायक करने की कोशिश करता है, आपकी आदत खराब करता है, आपको दूसरों की नजरों में आप इज्जत गंवा देते हैं, अपनी नजरों में अपनी इज्जत गंवा देते हैं। वो करें जो आपके लिए एक्सेप्टेबल है, जिससे आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट नहीं होती। अपने गोल्स को सेट करें, अपनी बाउंड्रीज को सेट करें, अपने आप को मेंटली रिलैक्स करें, अपनी प्रॉब्लम्स को, अपनी फीलिंग्स को अपने तक रखें। अगर आपको लगता है कि आउट ऑफ द रेंज हो गई है, आप अपने बिहेवियर पे वर्क नहीं कर पा रहे, आप अब अपनी पर्सनैलिटी बिल्कुल जीरो हो गई है आपकी, आप लाइफ में किसी चीज को हैंडल नहीं कर पा रहे, चीजों को मैनेज नहीं कर पा रहे, चीजों के साथ, यानी कि अब वो स्टेज आ गई है जिसमें आप इस बिहेवियर से जान छुड़ाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका ये जो बिहेवियर है ये अब अजियत बन चुका है, ये परेशानी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, अब मैं किसी की मदद लेके, किसी का सहारा लेके इसको दूर करने की कोशिश करूं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट कि आप जाएं, आप जाके किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं, आप सबसे पहले अपने आप को खुद, इंसान अपना मॉलेज खुद है, जितनी देर तक आप अपने आप को खुद मैनेज करने की कोशिश नहीं करते आप लाइफ में कुछ नहीं कर सकते, अपनी अपने आप को हैंडल नहीं कर पाते आपको कोई क्या हैंडल कर सकेगा। अपने आप को खुद हैंडल करें, अपनी मैनेजमेंट खुद करें, अपनी बाउंड्रीज खुद खींचें। जब आपको लगता है कि ये आपकी हद में नहीं, अब आप आपकी लिमिट्स क्रॉस हो चुकी हैं, देन आप किसी साइकोलॉजिस्ट से या अपने किसी अजीज से इस चीज को डिस्कस करें जिस पे आपको एतबार है, जो कि आपको सही मशवरा देगा, आपकी इस प्रॉब्लम को समझेगा और आपको आपके इस जो प्रॉब्लम है इसके ऊपर आपके साथ वर्क करने की कोशिश करेगा। जजाकल्ला।